अध्याय चैप्टर 14 यशायाह का 40वां अध्याय यशायाह 40वां अध्याय वर्स 27 से 31 तक यशायाह का 40वां अध्याय 27 से 31 तक। हे याकूब तू क्यों कहता है कि इज़राइल तू क्यों बोलता है मेरा मार्ग परमेश्वर मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर को सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, न दौड़ेंगे और न और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ओके लेस मुझे एक्चुअली ये पंक्ति पे प्रीच नहीं करना था जो मैंने आपको लेस अभी जो पढ़ा, ओके, बट द मेन वर्ड जो मुझे एक्चुअली प्रीच करना था वो वर्स 26 है। परमेश्वर इज़राइल को, याकूब को पूरे कुछ कई सारे स्टेटमेंट बोलता है, उससे पहले एक स्टेटमेंट जो मैंने स्किप किया था वो ये था, परमेश्वर ने उसे कहा अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सुलझा है, इन गणों को गिन कर निकालता और उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है, वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। मतलब कई सारे कंप्लेंट्स है याकूब के, लाइक याकूब और इज़राइल देश के, और उस देश को कंप्लेंट को लाइक परमेश्वर उनके कंप्लेंट दूर करने को बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे पास आते तो मैं तुम्हारे लाइक मैं तुम्हें बल देता, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता, लाइक तुम कभी थकते नहीं, तुम कभी निराश नहीं होते, कई सारे उससे प्रॉमिस करता है। बट उससे प्रॉमिस से पहले एक स्टेटमेंट वो बोलता है कि पहले ऊपर देखो, राइट, सब कुछ करूँगा लेकिन पहले ऊपर देखो। हम लोग सिचुएशन के देख के टायर्ड हो जाते हैं लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं। सो आज का जो टॉपिक मैं अगले 10 मिनट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, 10 से 15 मिनट मैं ऊपर देखने के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके लेट्स प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपकी नज़र हमेशा हम पर लगी रहती है, हमारे विश्वास पर, हमारे जीवन की चाल चलनों पर, हमारी प्रार्थना पर। प्रभु यीशु हमारी नज़र आपकी ओर लगी रह सके, हम आपको देखना सीखे हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर सफलता में, हर आनंद में, दुख में हम आपको देख सकें। अगर यदि लगे हम अकेले हैं, निराश है, प्रभु हम आपको देख सकें, हमें आपको देखना सिखाइए ताकि हम स्वर्ग की ओर देख सकें, हम आपकी ओर देख सकें। धन्यवाद देते हैं इस सर्विस को ब्लेस करना परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके यहाँ पर जो वर्ड है ऊपर देखना, आप लोग सब समझते हो ऊपर देखने का मतलब कि कंटिन्यूसली ऐसे देखते हुए नहीं चलना ना, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे, कैसे प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इंसान ऐसा देखता रहेगा तो। ओके मैं एक बार बहुत पहले एक कंपनी में काम करता था, तो हम लोग को कॉलेज में वो क्लासेस का बड़ा ये था, तो हम लोग को कॉलेज में कभी कभी ना ऑफिस से भेज देते थे, जाओ क्लासेस में, कॉलेज के बाहर प्लेनेट बांटो। तो हमारा बॉस हम लोग को बोलता था अगर सामने लड़कियां होंगी तो मुंडी नीचे करके बांट। सो मैं मेरे बाजू वाले को बोलता था अगर मुंडी नीचे करके बांटते रहेंगे लड़कियां कब चले जाएंगे, प्रोफेसर कब आएगा पता भी नहीं चलेगा। सो बट अरे जो ये संदेश है, जैसे कि लाइक ऊपर देखना मतलब परमेश्वर की ओर देखना ना, परमेश्वर को देखना, और हम विश्वासी को चाहिए लाइक मुझे जीवन में सीखना है सिर्फ संडे को नहीं कि ऊपर देखूँ ना, मुझे एवरी मोमेंट हर क्षण में मुझे वो ये चीज़ सीखना है कि मैं कैसे ऊपर देखूं। और परमेश्वर ने यहाँ पे वादा किया है कि तुम ऊपर देखो, राइट, ऊपर देखने का उसका मतलब है कि मैं ऊपर हूँ, मेरी ओर देखो, और ऊपर देखने के लिए हमें एक भरोसा है,
परमेश्वर पर अब हम डिपेंड होते हैं परमेश्वर पर और हम बड़े आसानी से परमेश्वर को देखते हैं। मैं भी शायद मेरी आंखें बंद हो और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ राइट, और सर भले ही नीचे हो बट इनडायरेक्टली मैं ऊपर देख रहा हूँ क्योंकि कोई है जो ऊपर से मेरी आवाज़ सुन रहा है। तो कई सारे तरीके हैं हमें बाइबल में यीशु मसीह को देखना, परमेश्वर को देखना। यीशु परमेश्वर यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ऊपर देखो, एज ए क्रिश्चियन लाइफ में रियली ऊपर देखने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं परमेश्वर को ऊपर देख कर मैं जान सकता हूँ कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसे सोचता है, परमेश्वर कैसी योजना बनाता है राइट। इवन इनडायरेक्टली मैं परमेश्वर के जैसा सोच सकता हूँ, परमेश्वर की सोच को समझ सकता हूँ मैं कंटिन्यूसली अगर ऊपर देखता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं ये सीख भी सकता हूँ कि परमेश्वर कैसे देखता है। फॉर एग्जाम्पल जो एक कीमत होती है, एक वैल्यू, मैं लोगों को कैसे देखता हूँ, मैं चर्च को कैसे देखता हूँ। बट मैं ऊपर देखता हूँ तो मैं सीख सकता हूँ कि चर्च को एक्चुअली कैसे देखना चाहिए राइट। मेरे कॉलिंग को मुझे कैसे देखना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए मेरे मेरे बाइबल कॉलेज को मुझे कैसे देखना चाहिए। सोल विनिंग का जो हिस्सा है मुझे उसे कैसे देखना चाहिए। चर्च में हम लोग एज अ भाई बहन हम जो जब बॉडी लाइफ जो मिलते हैं तो हमें पता है कि कैसे देखना चाहिए, ग्रेस में कैसे देखना चाहिए और प्रेम में कैसे देखना चाहिए। और मैं ऊपर से देखता हूँ राइट, और वहां से मैं सीखता हूँ। क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ दो ही तो है राइट, ग्रहण करो और रिवील करो राइट। जो कुछ है ऊपर देखो और वो परमेश्वर हमें सिखाते जाएगा और हम लोग वैसे करते हैं। इवन ऊपर देखने के कई सारे रीजन भी है। हमारा ग्रेस कहाँ से आता है राइट, ऊपर से आता है। प्रेम हम लोग कहाँ से महसूस करते हैं, ऊपर से। इवन हमारी मदद कौन करता है, ऊपर से। इवन मेरी प्रार्थना कौन सुनता है, ऊपर से। और एज अ बिलीवर हम लोग सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि लेट्स बाय फेथ ऊपर देख लेते हैं राइट। क्यों परमेश्वर बोलता है तुम कोई भी कठिनाई में हो, कोई भी परेशानी में हो, मैं तुम्हें अगर तुम ऊपर देखोगे मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। जवानों की तरह तुम लोग दौड़ोगे, बुढ़े होगे तो और ज्यादा जवान बन जाओगे, और ज्यादा शक्तिशाली होगे। लेट्स ऊपर देखो राइट, एज ए क्रिश्चियन ऊपर देखने। बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण, जैसे कि इसराइल देश पहली बार जब लाल समुद्र पार कर रहे थे, ओके, अब आगे लाल समुद्र था और पीछे मिस्र देश की फिरौन की पूरी सेना थी और आगे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। बट उस करीब करीब 20 लाख लोगों में सबके सब डर गए, सबके सब चिल्ला रहे थे, सबके सब इल्जाम लगा रहे थे, बट टाइम गॉड एक आदमी था जिसने अभी भी ऊपर देखा था राइट। और मूसा का वो स्टेटमेंट मुझे बड़ा पसंद है, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो राइट, क्योंकि उसका पता था कि लोगों ने, कुछ लोगों ने आगे देखा कि समुद्र है और उन लोगों ने पीछे देखा कि दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं देख रहा था जिसने हमें वहां से छुड़ाया राइट। सिर्फ मूसा की नजर वहां पे थी और मूसा बोलता है खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। सो एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो क्रिश्चियन लाइफ ये भी हो सकता है, जैसे कि एज ए मैं क्रिश्चियन मैं सिर्फ आगे देखता हूँ और पीछे देखता हूँ और ऊपर नहीं देखता। सो ऐसा क्रिश्चियन जो बार बार पीछे देखता है वो आगे के लिए आशा नहीं देख पाएगा, मतलब आगे के लिए मेरे लिए क्या होप होगा। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने जब फिरौन के आते हुए देखा वो लोग ने होप को नहीं देख पाया, लेकिन मूसा ने जब ऊपर देखा उसने एक होप देखा कि हम अभी भी बच सकते हैं राइट। सो कहीं मैं अपने क्रिश्चियन मैं अगर कंटिन्यू हर चीज़ों में मुझे पीछे देखता रहूंगा तो टाइम आएगा कि मैं आगे के लिए जो मेरे पास जो होप था मैं उसे खो दूंगा। पास्टर शिवेल ने इस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा बोला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इस प्रेजेंट में तुम पास के चीजों को लेकर लगातार जीते रहोगे तो वो तुम्हारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देता राइट। सो मेरा प्रेजेंस मेरा कैसा भी हो बट एज ए क्रिश्चियन मैं ऊपर देख सकता हूँ राइट, जो मेरा भूतकाल को चेंज कर सकता है, फ्यूचर को चेंज कर सकता है और प्रेजेंट को भी चेंज कर सकता है। मेरा क्रिश्चियन एक्चुअली बहुत आसान है, ऊपर देखो सब कुछ हो गया राइट। ऊपर देखो परमेश्वर हमारी हेल्प करता है। सो बाइबल में कई सारे लोग मैं पास डॉक्टर स्टीवन का एक मैसेज सुन रहा था, मैसेज में डॉक्टर स्टीवन एक स्टेटमेंट कहा, बोलता है जब नूह का जो जहाज बनाया था उसके पास सब कुछ सब रेडी था और उसके जहाज में सिर्फ एक ही विंडो था और विंडो उसने ऊपर साइड में, परमेश्वर ने उसे कमांड दिया था कि नीचे साइड में मत लगाना, ऊपर साइड लगाना, और उसने वो विंडो ऊपर साइड में लगाया। तो रीजन ये है, अब करीब करीब जहाज के अंदर अगर वो एक साल तक रहा होगा ओके, तो एक साल तक वो विंडो कहाँ देखेगा, सिर्फ ऊपर ही देख पाएगा राइट। वो टाइम गॉड वैसा सिचुएशन नहीं था जैसे कि टाइटैनिक जैसा बाहर आके देखने जैसा नहीं था ओके, मुझे अच्छा उदाहरण नहीं मिल रहा था लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं देखा था। मैं जस्ट आज मैं इमेजिन कर रहा था गॉड
जब नोहा जब जहाज के बाहर आया उसको कोई बॉडी पड़ा हुआ भी नहीं दिखा, क्योंकि एक साल में बॉडी का क्या हुआ होगा पता नहीं, राइट? उसे तो हड्डियां भी नहीं मिल रही होगी। सो वो फ्लड वो नहीं देख पा रहा था, राइट? वो किस तरह से जा रहा है वो दिशा वो नहीं देख पा रहा था, सिर्फ एक दिशा वो देख रहा था जो ऊपर का था, जो उसे गाइड कर रहा था, राइट? कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक दरवाजा था जो तुम सामने से देख सको, और परमेश्वर ने वो बाहर से बंद कर दिया, राइट? और उसे कहा कि लेट्स तू खाली ऊपर देखता रहे। कई बार ऐसे सिचुएशन आता है कि परमेश्वर सामने से देखने वाले दरवाजा बंद कर देगा ताकि विश्वासी हम सीधा ऊपर देख सके। यूहन्ना के तीसरे अध्याय में निकोदिमस नाम का एक व्यक्ति जो सूबेदार सरदार था, जक्कई अगर चुंगी लेने व्यक्तियों का लीडर है, मत्ती चुंगी लेने वाला है, जक्कई उसका लीडर है, निकोदिमस उसका बॉस है। ओके, सो निकोदिमस ने रात के समय में उससे मिला और उससे बात किया यीशु मसीह से कि अनंत जीवन के बारे में हमको पता है। चैप्टर यूहन्ना का तीसरा अध्याय, निकोदिमस ने यीशु मसीह से समझाया ना बैप्टिज्म के बारे में, पुनः नया जन्म के बारे में। वो आदमी नहीं समझा कि यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं। फिर यीशु मसीह ने उसे निकोदिमस से एक स्टेटमेंट किया, यीशु आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट? ये मुझे समझ में नहीं आता। तो यीशु मसीह ने उसे अच्छा समझाया। ओके, पुराने नियम में से चलो, याद है जब मूसा के जमाने में जब किसी को जब सांप ने काटा था तो कई सारे लोग मर रहे थे नीचे गिर के, और मूसा ने क्या किया, एक खंभे पर एक सांप को लटका दिया पीतल का सांप बना के, और जो ऊपर देख रहा था वो बच जाता था। उस वक्त भी वो नहीं समझा। यीशु मसीह ने भी कहा कि ठीक वैसे यीशु मसीह एक समय आएगा मनुष्य के पुत्र को ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और जो देखेगा वो नया जीवन पाएगा। वो उस समय भी नहीं समझा। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उस समय निकोदिमस नीचे था, वो बोल रहा अब मैं समझा आप मुझे क्या समझाना चाहते थे, राइट? कि एक्चुअली आप मुझे समझाना चाहते थे कि जीवन आप हो, राइट? कि मुझे आपकी ओर देखने के बारे में। वहां कई सारे लोगों ने जो वहां पर मूसा के बनाए हुए लाठी को देखा जिंदा रहते, आज पूरी दुनिया आपके ओर जो देखेगा वो जिंदा रहेगा, राइट? आपकी ओर जो देखेगा वो उद्धार पाएगा। सो कहने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक रास्ता रखता है हमेशा खुला, वो है ऊपर देखने का, राइट? वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो रास्ता परमेश्वर ने खुला हुआ है। और एज ए क्रिश्चियन हम इंजॉय कर सकते हैं अपने क्रिश्चियन लाइफ में, और मैं कंटिन्यूसली ऊपर देख सकता हूँ। इवन कई बार परमेश्वर हम विश्वासी से चाहता है कि कुछ चीज़ें हम डीपली अंडरस्टैंड करें ना, खाली ऊपर देखने के मतलब कोई भी सिद्धांत लो, कुछ चीज़ें ऐसे है कि हम लोग सीखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे जीवन में टच होता है और हम चाहते हैं कि मुझे ये मेरे लाइफ में चाहिए, राइट? हमेशा परमेश्वर चाहता है कि हर क्रिश्चियन वो हमें डीपली समझाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल पता है कुरियर वाले होते हैं, परमेश्वर हमें कुरियर वाले जैसे नहीं बनाना चाहता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुरियर वाला हूँ, ओके, लेटर लिया आपके और लेटर दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने ये लेटर किसको दिया, इसके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और जिसके पास जाने वाला है उसको कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है, मुझे कुछ नहीं पता, अंदर क्या मैटर चल रहा है वो भी नहीं पता, जस्ट कुरियर लिया और दिया, राइट? हम लोग प्रेम बोलो, गॉस्पल बोलो, परमेश्वर के नाम बोलो, हम लोग बिना अंडरस्टैंड के लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। परमेश्वर चाहता है कि पहले वो मैं डीपली अंडरस्टैंड करूँ। बाइबल में ऐसे उदाहरण है, पहले परमेश्वर ने लोगों को समझाया, उसके बाद उनके द्वारा काम किया। इजिकल को परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया, मुझे वो उदाहरण बड़ा स्ट्रांग लगा जब परमेश्वर ने उसे समझाया। इजिकल के 16वें अध्याय में परमेश्वर ने बोला, इजिकल मुझे तुझसे बात करनी है। पर इजिकल बोलते है, बोलो, उसका कचरे के डब्बे के बाहर मैंने एक छोटी सी लड़की थी और ठीक से उसका नाल भी नहीं काटा था, पूरे खून से भरी हुई एक लड़की कचरे के डब्बे में पड़ी थी। मैं गया, मैंने उसे उठाया, अपने घर लेके आया, मैंने उसको धोया, उसको नहलाया, उसको अच्छे कपड़े से मैंने उसको लपेटा, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, वो स्कूल जाती रही, मैंने उसके एक पिता की तरह मैंने उसके रोज़ कपड़े बदलता था, रोज़ मैं उसे खाने खिलाता था, सारी ज़रूरतें उसे पूरा करता था। फिर धीरे धीरे वो और बड़ी होती गई, मैं उसको ज़रूरत की सारी चीज़ें देता था, वो बहुत सुंदर दिखने लगी। ओके, वो लड़की जो कचरे के डब्बे में पड़ी थी आज वो बहुत सुंदर दिखने लगी, और सुंदर दिखने के बाद वो घर के बाहर गई। पता क्या हो रहा है, वो लड़की व्यभिचार करने लगी बाहर, उसके रॉन्ग संबंध निकलने लगे और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इज़राइल बोलता है, ये कब हुआ आपके साथ, राइट? परमेश्वर बोलता है इज़राइल देश वही है, राइट? वो मिस्र के देश में मिस्र दुश्मनों की हालत में वैसे ही पड़ा था, मैंने वहाँ से उठाया, मैंने 40 साल उन्हें अगुवाई किया, मैंने उन्हें वादे के देश में लाया, वादे के देश उनको दे दिया, उसके बाद भी वो पाप के पाप कर रहे, वो पाप कर। इज़राइल को ये बताने का मतलब क्या था, इज़राइल समझे कि परमेश्वर का दिल में चल क्या रहा था, राइट? और उस वक्त इज़राइल समझा, प्रभु मैं समझा कि आप क्या चाहते हो,
मैं जाऊंगा इज़राइल लोगों के पास और मैं उन्हें सुसमाचार प्रचार करूंगा. लाइक एक हार्ट में एक जोश आ गया, राइट. इवन होशे, होशे को परमेश्वर ने बोला, होशे तुझे शादी करनी है. होशे खुश, राइट. ओ लाइक लोग होशे के पास लिस्ट था अपने, लाइक इसका भी नाम दे सकता था वो, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे एक वेश्या से शादी करनी. होशे तब तक नहीं समझा कि मुझे ऐसा क्यों कर रहा है, बट उसने किया. फिर उसने गया वेश्या से शादी किया, उसे लेके आया, फिर वो वापस वेश्या का काम करने लगी. दोबारा परमेश्वर ने बोला जा उसको वापस लेके आ तेरी वाइफ को और उसे प्यार कर. ओके, दोबारा गया, दोबारा उसे लेके आया, फिर होशे के कुछ बच्चे भी हुए. फिर दोबारा वो लाइक वेश्या का काम करने लगी. वापस परमेश्वर के पूछा तेरी पत्नी कहाँ है, बोलते आपको पता नहीं है, राइट. वो लाइक वो क्या कर रही है, मैं बार बार जा रहा हूँ, मैं प्यार से बुला रहा हूँ, बोलता मैं नहीं जानता, तू जा उसको छुड़ा. बोलते आप मुझे छुड़ाने के लिए पैसे लगेंगे उसको, मुझे नहीं पता, तू छुड़ा, राइट. 30 सिक्के उसको चाहिए रहते थे, उसके बाद खाली 15 सिक्के था बेचारा मिशनरी, राइट. ओके, इसलिए ऊपर देखने सीखते हैं. सो उसने अपने घर के सामान भेज दिए, 15 सिक्के उसको वहां से मिले और 15 सिक्के उसको वहां से उसने लाइक जो था उसके वो दिया और उसने होशे की अपनी वाइफ को वापस उन्हें. जब परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे पता है जैसे तुझे तकलीफ हो रहा है तेरी वाइफ से बार बार वैसे प्रेम करना जैसे तूने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक वैसे इसराइल लोग कर रहे हैं, राइट. मैंने उनको अपना लिया है, मैं उनका परमेश्वर हूँ, लेकिन बार बार वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बार बार वो पाप कर रहे हैं, लोग ये समझ नहीं रहे. होशे बोलता है अब मैं समझा आप क्या कहना चाहते हैं, पहले मैं नहीं समझ पा रहा था, अब मैं और बेहतर तरीके से प्रीच करता हूँ. बाद में बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेम की डोरी से खींचना चाहता है, राइट. क्योंकि वो समझा परमेश्वर कितना प्यार करता है. फिर 11 अध्याय 14 पंक्ति बोलता है परमेश्वर तुम्हें दो प्रेम की डोरी से खींचना चाहता है. सो परख ये कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग देखे परमेश्वर को, ऊपर देखे और उसके हार्ट को समझे कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है. और एक ऐसा मिशनरी था जो नहीं समझा कि परमेश्वर क्यों भेज रहा है, इसलिए भागे जा रहा था और परमेश्वर उसे समझाया भी नहीं. ओके, लाइक योना, योना इधर भागा उधर भागा, लाइक कहानी हमको सब पता है. फाइनली उसको पता चला कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बचना है तो परमेश्वर का काम करते हैं और वो गया. मुझे पूरे ओपन योर प्रीचिंग में बोलो या सुसमाचार प्रीचिंग में बोलो, योना की प्रीचिंग सबसे अलग लगी. बाइबल में दोबारा ऐसा आपको प्रीचिंग नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूँ. ओके, मुझे पहले पनी था. ओके ओके, कोई भी इंसान प्रीचर प्रीच करेगा ना तो योना की तरह कभी नहीं प्रीच करेगा. योना गुस्से में गया, योना सबको बोलता है सबके सब मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा, परमेश्वर ने तुम्हारे पाप देख लिया है और परमेश्वर जानता है कि ये देश को नष्ट होने वाला. और वो एक्चुअली ऐसा से प्रीच कर रहे थे जैसे कि सबको न्याय दे रहा है और सबको लाइक शाप दे रहे जैसा प्रीचिंग कर रहा था, तुम सब नष्ट होने वाले. और योना गुस्से में प्रीच करके चला गया. योना को पता ही नहीं पूरा देश बदल गया, राइट. और सारे के सारे लोग, यहाँ तक राजा भी अपने घर के बाहर आया, चूल्हे के अंदर का राख लिया, अपने बदन में डाला, गोली का कपड़ा पहना और रो रो के प्रार्थना करने लगा और सारे के सारे लोग बदल गए. योना को गुस्सा आया, योना जाके अलग बैठ रहा है, परमेश्वर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने इसे पहले नहीं समझाया था, इसको बाद में समझा रहा है. ओके, मुझे वो स्टेटमेंट अच्छा लगा. परमेश्वर बोलते हैं ओके योना मेरे एक सवाल सुन, तेरा नाराज होना सही है मुझ पर, राइट. कई बार हम लोग ऐसे इमोशनली कभी कभी हम लोग परमेश्वर पर नाराज हो जाते हैं, राइट. योना ने उसे सवाल पूछे तेरा नाराज होना मुझ पर क्या सही है. ओके, फिर उसके बाद पेड़ का उदाहरण दिया, राइट. एक पेड़ लगाया, तुरंत योना और गुस्सा हो गया. परमेश्वर बोलता है 120,000 को मैं कैसे भूल सकूं, राइट. तू एक पेड़ के लिए इतना चिंता कर रहा है, वो तो मेरे लोग है, मेरे बच्चे है, राइट. फिर बाद में योना शायद समझा होगा, इसीलिए शायद योना ने आगे में लाख योना की किताब में आखिरी उसके शब्द है ही नहीं, राइट. जब परमेश्वर ने उसको समझाया तो मुझे लगता है कि योना समझ गया और योना ने लाइक अय्यूब ने बोला ना, लाइक मैं अपना हाथ अपने मुंह में रखता हूँ, योना ने डिसाइड किया मैं आगे कुछ लिखता ही नहीं, राइट. क्योंकि मुझे पता है कि आप परफेक्ट हो. सो लाइक कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसको समझे, ना कि जस्ट परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है वो देख के हम करें, लेकिन परमेश्वर का हार्ट समझे कि लाइक उसके लिए कितना बर्डन है खोए हुए लोगों के लिए, लाइक उसमें बढ़ना, लाइक मे भी शायद वर्शिप करना ये कितना इंपॉर्टेंस है. एक व्यक्ति का गाना गाना परमेश्वर को खुश कर देता है, एक व्यक्ति का बाइबल खोलना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के लिए लाइक रॉन्ग चीज़ों को इग्नोर करना जस्ट लाइक परमेश्वर के लिए, रॉन्ग डिसीजन को इग्नोर करना परमेश्वर के लिए. परमेश्वर बोलता है मेरे परमेश्वर के लिए सारी बहुत बड़ी चीज़ है, राइट. और ये सारी चीज़ें हमें करने में हौसला तब मिलता है, इंकरेज तब मिलता है जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक गॉड मुझसे चाहता क्या है, उसका हार्ट क्या है, राइट. और वो तब मिलेगा, तब मैं समझ पाऊंगा गॉड का हार्ट, जब मैं कंटिन्यूसली ऊपर देखता हूँ परमेश्वर की ओर देख कर कंटिन्यूसली मैं लाइक परमेश्वर के साथ चलता हूँ. ओके, बाइबल में और एक लास्ट उदाहरण है,
प्लीज करते करते मैं वर्स भूल गया, अय्यूब का है, अय्यूब का 23 चैप्टर ओके, अय्यूब का 23वां अध्याय 10वीं पंक्ति। ओके रेडी आप लोग, चलो लेट्स ओके 10वीं पंक्ति। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वो मुझे डालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ओके एलीपज नाम का एक व्यक्ति दाऊद अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं, उसकी लाइफ स्टोरी पता है। अय्यूब के ये अध्याय तक आने तक अय्यूब की कंडीशन पता कैसी थी, 23वें अध्याय तक आने तक अय्यूब का हमें शुरुआत पहले अध्याय में हमको सब पता है, उसके सारे बच्चे एक ही दिन मर गए राइट, और एक न्यूज लेके आता है। फिर उसके और उसके खेत में जब कटनी का समय आता था उसी समय दुश्मन आग जला देते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी दुश्मन लेके चले जाते हैं, सारे नौकर को मार दिया जाता है, और लेस ऐसी कंडीशन में उसकी वाइफ भी आके उसको कमेंट्स करती है परमेश्वर की निंदा का, फिर भी वो नहीं करता, फिर भी वो भी उसको छोड़ के चली जाती है। और मैं जस्ट इमेजिन करता था, मे बी अय्यूब कई सालों से घर करीब कई सालों से वो अपना घर भी नहीं जा पा रहा है, जो कंडीशन उसके साथ हो रहा है, हालात से कि बीवी बच्चे मर गए ओके, बीवी छोड़ के चली गई, दोस्त आते हैं तो लाइक अजीब अजीब कमेंट्स करके चले जाते हैं, और उस बीच में इस कंडीशन तक अय्यूब का हालत ऐसा था कि वो कचरे के डब्बे के बाहर अय्यूब रोड पे अय्यूब बैठा हुआ है, उसके पूरे शरीर में फोड़ी आया हुआ है, और लाइक उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उस पर कंडीशन में देखकर एक दोस्त एलीपज नाम का एक आदमी आता है और उसको वहां पर ताने मार, प्लस उसको हाइपर स्पिरिचुअल जैसे उसको समझा रहा था। तो उसके कमेंट्स क्या थे ओके, मैंने वो पूरा अध्याय पढ़ा, इससे कई गुना ज्यादा है उससे, मैंने जस्ट कुछ ही मेन पॉइंट लिखे जो वो बोल रहा था। पता उसने एलीपज ने उसको जॉब को क्या बोलता, पहला वर्ड वो बोलता है कि परमेश्वर तुझे दंड दे रहा है इस वक्त राइट, उसको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है, बस जॉब को इल्जाम लगा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट वो बोलता है कि परमेश्वर तेरा न्याय कर रहा है, जजमेंट कर रहा है ओके। तीसरा स्टेटमेंट वो बोलने उसको बोलता है क्या तेरी बुराई बहुत नहीं है ओके, तूने जो गलतियां किया जो पाप किया वो बहुत ज्यादा नहीं है, उसको क्वेश्चन पूछता है। और फिर चौथी चीज वो बोलता है कि तेरे अधर्म के कामों का अब अंत होने वाला है, तूने बहुत बुराई कर लिया अब वो सारा अंत होने वाला है। पांचवी चीज वो उसको बोलता है कि तूने गरीबों की मदद भी नहीं किया, विधवा की हेल्प भी नहीं किया ओके, ये स्टेटमेंट उसको बोल रहा है। छठवीं चीज वो उसको बोलता है कि इसलिए कई सारे तेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि तू राय बोलते ना तू दान लोगों की मदद नहीं कर रहा उसकी वजह से। सातवीं चीज वो बोलता है कि क्या तूने पुराने रास्ते को पकड़ के रहेगा जिससे तू अनर्थ करने वाले लोग चलते, जो बुराई करने वाले लोग जिस रास्ते पे चलते हैं क्या तू अभी भी उसमें चलता रहेगा, अय्यूब का दोस्त उसको समझा रहा है ओके। और एक स्टेटमेंट उसको बोलता है कि वचन सुन अपनी गलती मान ले और परमेश्वर के वचन को मनन कर। अय्यूब ने उसको जवाब दिया कहाँ है परमेश्वर, मेरे सामने होता मैं उसे बताता, मैं अपने प्रूफ देता कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, कई सारी चीजें वो बोलता, बट एक्चुअली वो परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा था, वो अपने दोस्त का आंसर दे रहा था ओके। फिर मुझे 10वीं पंक्ति में उसका स्टेटमेंट अच्छा लगा, सुन मैं तुझे एक बात बताता हूँ, वो जानता है कि मेरी चाल चलन कैसी है राइट, मुझे तेरे कमेंट्स तेरे रॉन्ग वर्ड्स की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं देखूंगा कि तू क्या बोल रहा है, मैं ये देखता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो जानता है कि मेरा चाल चलन कैसा है। इतना ही नहीं, और मैं भी ये जानता हूँ जब वो मुझे परखेगा मैं सोने के समान निकलूंगा राइट। मेरे लिए इतना दो चीज जानना जरूरी है, वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एज ए बिलीवर हम आसानी से ऊपर देख सकते हैं, सबसे आसान काम है ऊपर देखना विश्वास के साथ पूरे आशा के साथ। इवन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ऊपर से, पूरा जानते हुए कि यीशु मसीह को कितनी तकलीफ होगी, यीशु मसीह को कितना अपमान झेलना पड़ेगा, यीशु मसीह को कितना कितनी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसे परमेश्वर ने शैतान बोल के धरती पर भेजा उससे भी उसकी परीक्षा लेना पड़ेगा, कई सारे लोग उसे मारेंगे धक्का मारेंगे उसके मुंह पे थूकेंगे, सारे अपमान को जानते हुए भी यीशु मसीह के परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा सिर्फ इसलिए ताकि हमें बचा सके राइट। उसको यह पता था कि यीशु मसीह को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सारे दुख सारे तकलीफ से यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा इसलिए ताकि वो हमें बचा सके। और आज हम बड़े आसानी से स्वर्ग की ओर देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्वर्ग में अभी भी यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं राइट, और हमारी मदद वहीं से आता है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर से समय के लिए, आप महान और जीवित परमेश्वर हो,
धन्यवाद प्रभु यीशु कि हम आपकी ओर देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमारी सामर्थ हो। हम आपकी ओर देखते हैं क्योंकि बाइबल में 7,000 से ज़्यादा वादे आपने हमारे लिए किए हैं। हम आपको चरित्र को जानते हैं, आपके गुणों को जानते हैं, आपके प्रेम को जानते हैं और हम आपकी ओर देखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस समय हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। पास्टर बीनू को अपना आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। ऊपर देखिए। I think I shared this story with my children. This Sunday school story. This Sunday school teacher came and she can't open the door of the classroom. It's a number lock. So she was trying to open the classroom for the children are coming. Then at the last she called the pastor and the pastor also tried the number. The lock, it was not opening, and the pastor then just looked upward and then suddenly he put the number, it opened, and the teacher got amazed. Wow, pastor, you prayed and got opened? And he said, no, nothing like that. See, the number is written there on the door. The number is written on the door. So it may not work everywhere, okay? So we had a great conference, right? Amazing conference, amazing, right? We are still talking about it, thinking about it, right? And it's amazing. Like, I think there was a lot of prayer went behind that conference, and also a lot of preparations from the staff and also Pastor Atul and the team. Amazing. Like, we enjoyed. We came and really, you know, it's amazing to be, you know, the part of this church. So I was thinking about this one topic today's message about surrender. Yeah. In Proverbs chapter 23, verse 26, it says, "My son, give me your heart." This is one of the wisest men. He is saying to his generation, he's saying, "My son, give me your heart." He's not demanding money. He's not saying, "My son, give me your money. My son, give me your house." He's saying, "My son, give me your heart." Because when we give the heart, we also give everything else. And one more portion in 2 Corinthians chapter 8, verse 5. He says, Paul is saying about the Macedonian church. This church was like, Paul praised this church because of their willingness to give. And Paul says they first gave themselves to the Lord, and then they to us by the will of God. So first they gave themselves to the Lord, and then they gave themselves to us by the will of God. Okay, Father, we pray right now, Lord, as we are meditating on this thoughts and what we heard. We know, God, these are the eternal words. In Psalms 37, those who looked at your face, their face were radiant, they never ashamed. Abraham looked, Noah looked, and the scores of the disciples, and we are looking at your face and we never be ashamed. We just thank you, God, for this opportunity, Lord. Anointing, Lord, we pray. Healing, Lord, we just quicken our bodies. In Jesus' name we pray. Amen. D.L. Moody was with D.L. Moody, one of the famous evangelists. And this man talked to D.L. Moody and he said this statement: the world is said to see a man who is totally surrendered to God. The world is said to see a man who is totally surrendered to God. And D.L. Moody, this word really touched him. And he went back and he said, God, this statement, the world is said to see a man totally surrendered to God. And D.L. Moody said, I may be that man, right? But I may be the man. So, and that's an amazing word. And you know that about his life,
he touched millions of people, preached the gospel without any media, right? Like he preached in many places. And one thing about D.L. Moody's life is, like, you can see that there is a total depending on God. His English was not so good quality. People came to his meeting to mock him, to, like, the words which he used in the messages. People came from England, people came from, like, Oxford University to mock him. But at the end of the message, people got believed Jesus Christ. They got, their life got transformed. And I believe this is amazing. Like D.L. Moody said, like, the world is yet to see a man who is totally surrendered to God. And I be the man. Like that we can say that. Like Pastor Shibali, that missions night message, like God is looking for a man, like a man in the gap. And like this is amazing. Like we can receive this word and then we can easily forget, right? But this is amazing truth, like God is saying, because we are living in a perilous time. Bible says, 2 Timothy chapter 3, it says that we are living in a perilous time. The word is perilous, meaning we are living in a demonic time, there are many things written in that book, in that 2 Timothy chapter 3 and 1 Timothy chapter 4. Spirit expressly says in the last days men will be lovers of self and lovers of money, right? All these things, like, and we can see that in our world, which is happening in this world. But God is looking, right? God is looking. The eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to see whose heart is loyal to God, right? Who is like is willing to like a surrender before God. Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. Heaven is my throne and earth is my footstool, and where can you find my resting place? Right? Hindus, maybe they have a Kashi, Varanasi, maybe their place, right? Or Muslims, they may be Mecca. Jewish people, Jerusalem. But God is asking, where is my place of rest? And that was the answer, verse 2. Like in this man, the man who is contrite and poor in spirit and also trembles at my word. What's the qualification? He's not looking at a big place geographically. He's looking at man, a woman whose heart is totally surrendering to God. It's not a partial surrender. It's not that total surrender. Like I don't know, like you may read this book, Andrew Murray. This book is written like absolute surrender, total surrender, right? And that's amazing, right? Like heaven is my throne and the earth is my footstool, but where is my place of rest? Isaiah 67. God says, in this I will look, who is poor and contrite in spirit. The word contrite means broken in spirit. Like he's broken, he can't, like he trusts in himself, he's trusting in God, and also trembles at his word. What does it mean, he trembles at his word? There is a holy fear. We know that fear of, there is a word in the Bible, fear of the Lord, right? Fear of the Lord is the beginning of the wisdom. By fear of the Lord you depart from evil, right? In the Proverbs, this word many times. The fear does not mean the torment fear. That's not the torment fear. There is a holy, reverential fear we have before God, right? Like we know that because we were enemies, right? Romans chapter 5 verse 10. We were enemies. Now by Christ's death we are reconciled. The word, like yesterday we were talking in the class. In our class actually we are talking about a reconciliation. God reconciled man, like, because we can have fellowship with God, right? Like this amazing, like amazing way God has done. So in 2 Chronicles chapter 17, there is a man, his name is Amaziah. The word is written, he was willingly offered himself to the Lord. So people made a conscious choice to offer their life before God. Right, so God is looking, not all the these political things which is going in our country or any other country in America. There is a November 8th is a big day is coming. Right, I don't know like what's going to happen. We pray, maybe the right man come, right man or woman come. I don't know. But God is looking. God is not, but God's eyes are here.
right? His eyes are not maybe in the White House, maybe, I don't know, but he is interested in the contrite and the poor in spirit. And when we look up, right, like God is looking here, and he's, because he's looking whose heart is loyal to the to him, right? The problem in our Christianity or problem in our life is not because is not that we are, the problem is maybe many times we are too strong for God, right? Many times we are too strong for God to use, right? Like we know, I know everything, right? I know this Bible, I know how to handle like missions or like this attitude, right? In 2 Chronicles 23, there is a king called Uzziah. He started very well, very good, good revival, amazing man of God. If you read in 2 Chronicles chapter, I think 23, is it 23? 26, yeah, 25, 26. If you read that chapters, you see that amazing revival he brought. And God also blessed him. But then there is a time came, verse 15 of chapter 26 in 2 Chronicles. He says, when Uzziah made himself strong, what happened? Now I know how to run the country. Right? Now I know how to like do things. Right? And then what happened? The Bible says the pride entered. He entered into the temple to offer the incense. And the priest said, you can't. Uzziah, you can't. What happened? What happened? Something happened, right? The leprosy broke out his forehead. Right? It happened. No matter how many clothes you put, you cannot cover it here. Like it's you can visible. And the Bible says that he was thrown out of the palace because he became a leper. So, like the problem is many times like we may be too strong. So God is, throughout the Bible we can see that God is using those like people who is totally admitting themselves, God, I can't do this. Like remember, like you know, Moses made 7 excuses in the Bible, in Exodus chapter 3, chapter 4, chapter 5. Moses made 7 excuses, right? Who am I? Like send somebody, right? Who am I, God? Right? He's thinking himself, I'm not like qualified. Pastor Charlotte, this Sunday he was saying that, on the pulpit he was saying that, he said, I'm not qualified to stand here and to preach. He admitted his own weakness, because he knew that I can't do things properly. So meaning like admitting our own weakness, like Paul's, he said, I was lot of thoughts about many churches, sleepless nights, right? Hair becomes white. Like sometimes people say, like after you become an American president, like you looks like in the starting your photo, you click your photos, you will be wow, young man, right? But after the 5th year, you'll become old. Like a lot of things, lot of pressure that you have to taking care, like so the meaning like Paul had a lot of pressure. So this amazing thing, like Moses said, I can't do this, Lord, lack of capacity. He said, I am not eloquent, send somebody, right? They what will I speak to those people in Israel, in Egypt? I don't have a message, I don't have any authority. And he went back and he did, the problem multiplied. Remember, like the problem, Pharaoh said, I'm going to multiply the problem, this thing. And he came back to God and said, God, no success happening in the ministry, I'm quitting, right? These things happened. But God used the man to totally surrender. Like he surrendered before God. And I believe that's amazing. Like we can understand our own weaknesses, right? Like we all know that weaknesses, but God says, come. Like I'm looking at that man who is like his spirit is broken, and also who is trembles at my word. What do you mean trembles at my word? It's not just a Bible college. Like on our knees, maybe like just with the open Bible, receiving the word, right? Like Bible, this is not just an information book. This is like it's a heart, right? Like we're getting to know the heart of God. Like I love the Pastor Shivel. He said, like if I don't win souls, how can I know the heart of God? Because the heart of God is in the missions, right? And that's what like our ministry, like it's amazing. Like I'm not boasting, but this is amazing. Our ministry is
like going forward because we are looking for the heart of God in the missions, right? So throughout the history we can see that God has chosen these nations and the individuals, those who are totally surrendered to God. There is an Old Testament, there is a pledge, it is called a Nazarite vow. How many heard that Nazarite, the word, the Nazar, right? The Nazarite vow in Numbers chapter 6. In that vow, the Jewish people, they used to take for a period of time. So if a person taken that Nazarite vow, he cannot cut the hair, and also he cannot have a strong drink or grape, no grape, right? Like a grape juice, no product from the grapes, right? So it's a totally they are surrendering before God. But if a man took, for example, if a man took, okay, I'm going to be 5 months, I'm taking the Nazarite vow. But on the fourth month he broke the vow, then again he has to start for the 5 months again, because he's broken that vow, right? I think Pastor John Kenny did a one time this message, right? Pastor John, you forgot the message? Okay, remember. after the, like, right, the vow, they have to cut the hair, right? And like after the, they finish that pledge, they had to come to the priest, and the priest will cut the hair, or they will cut the hair, and they have to burn it at the altar. They cannot keep it. Okay, this, see how long my hair is, right? Like 5 years, or like, you can't keep it. It's gone, it's burnt. Like you, it's not about your boasting, right? It's totally your surrender. You are used by God for this. It's not about totally you are like a going away from the social life, or totally going away from the family. You are totally involved. But also, God is, like some of the main people in the Bible are Nazarites, are Samson, right? Samuel and John the Baptist. Like John the Baptist was a Nazarite, right? So I believe the amazing thing, because God is showing in the Old Testament like a totally people are surrender, right? Surrendering before God. And that's what we are here, like we are learning things, and also like we are saying God use us, right? So two ways people, God get his people. One is voluntarily we submit, here I am God. Other, right, like is a hard way. Right, God will force us, right? In the Old Testament, God sent the prophets. Bible says in Jeremiah, this phrase used, I sent early in the morning the prophets, but you did not listen. The one of the message of the prophets is get back, restore, right? But what they do? They will never listen to the prophet's word. So what happened? God said, okay, this is the way now I'm going to do. I'm going to discipline you, then they will come back. Right? And Jeremiah prophesied, and it was painful for Jeremiah to see his own countrymen going back to going to a foreign country, Babylon, the nation which speaks a foreign language, and too cruel, and all of the people were taken away as a captive to Babylon. And Jeremiah is like lamenting over the city. That's what he wrote, Lamentation. And it's amazing to see that. But Jeremiah may not see in the full picture, because God in his mercy was taking this nation from Israel to Babylon, so that he will be protecting that nation. Us desh ko unhone kya kiya, wahan par suraksha rakha, right? Like it's, he protected that nation because Israel was in Babylon. They survived. God, they again, like the revival broke out. Like Ezra and Nehemiah, they came back from there and they started the revival ministry. So God is looking, right? How many percentage of people came back from Babylon? You know how many percentage? I think 2%. Only 2%. Like 100 people, how many came back? 2. 1,000? How many? I don't know the max. 20? 20, yeah, okay. So 1 lakh? Huh? 2,000. 2,000, right? Like, remember, like 1 lakh or 10 lakh people in the Babylon, how many are coming back? 2,000. You know what happened? With the 2,000. God built the temple, God also built the walls around the city. And I believe that's amazing. That's amazing. Like we are maybe the 2% here, right? But with this 2% we can penetrate the cities. Because Pastor Shibali said only the disciples can penetrate the nations. Right? Many times we, our
wrong thing is pastors can spend all of their time in the wrong people. At the end of their all your investment, they say, I got a job in New Zealand. I'm going, right? Like he said, like this, like it can happen, right? Like this is a devil's strategy, investing in like a people in on wrong people. So that the people who need God will not get disciples. Get discipled. So I mean, this is amazing. Like 2% of the people came back because they totally, they surrendered. One hand they had sword, one hand they had, what is that? Chisel or whatever it is, they were building, right? Like one hand they had sword, one hand they were building. That is amazing. They totally, they are surrendered. Day and night they were working and they finished the walls around the city within 56 days. That's amazing, right? So they were looking up, right? Upar ki nazar the, right? Like that's amazing. So lastly, we were teaching. I saw this this article in their book. This is great. Why the trees, the leaves change color? Anybody knows? Nobody knows. You lost your salvation. Okay, I'll tell this scientific. I don't know how many grasp this, okay, but this is good. Tree leaves are green, okay, green color, right? You know that, okay, because of the chlorophyll, you know, during this photosynthesis. So chlorophyll is a green color in the leaf. So they use this green color to, what is that, take the sunlight and cook food, whatever, you know. But also, in that leaf, there are other colors are already there, right? But they are hidden. The colors are hidden in the leaf. Green color is like totally, you know, taking over the whole, you know, leaf. So leaves change color in the winter because the days are shorter. Also, less there is less sunshine. Okay. So also because of sunshine, less sunshine, it causes the changes. Like there is leaf cannot produce more food. So layers of the cells grow where the leaf attaches to the stem. And I also just say, because cool weather affects the leaf color. If the days are warm, leaf continues to make glucose. And if the nights are cold, sugar cannot be used and it cannot leave the leaf. So what happened when there is no more food is preparing in the leaf, what happens? The chlorophyll, the green color, little by little shades, like it goes off. And other colors which are hidden comes up. Red color, yellow color, whatever it is. Right? So this amazing principle, like in this, like I need to like attach, I need to receive the word, I need to be like a look upon like God. Right? Like to this I will look. Right? In Psalms chapter 40, Jesus, this is talking about Jesus Christ, right? Behold, I am here to do thy will. Right? My ears you have pierced. I am here to do your will. Right? Isaiah chapter 50 was for every day, every morning, Jesus, God, he said, God has waked me up to hear his word. Right? That's an amazing thing, right? Christ, like in Psalms chapter 1, his leaves, that he's like a tree who's planted by the rivers of the rivers, right? The man who meditates day and night on the word of God. What happens? That leaf will not wither. In Proverbs, in Jeremiah chapter 17, his leaf will not wither. Right? We are like taking that word. Dr. Stewart, last Saturday we had a class and he said this way. In Psalms chapter 18 verse 30, as for God, his way is perfect and the word of the Lord is tried or tested. The meaning he said, the more the word you take, what happens? It is God is preparing you for the battle which is going to come. Like that's the way. You may say, oh, I don't want to hear the word so that, you know, like, no, you have to hear the word so that God is preparing you. What use you are preparing for the Olympics and you went there but you are not participating in that game? What is the use? Right? You are prepared all the 5 years, like whatever you prepared. And then at the end of the competition, you say, I don't want to participate. God is preparing us. We are taking the word, preparing you for the battle which is going to come. Right? And this is amazing that we are receiving the word. We say God is, the world is yet to see a man who is totally surrendered.
Maybe the world is yet to see a church that is totally surrendered to God, right? Let our church be that, right? And lastly, without God, our week can become weak, right? Past channels, right? Our Sunday became sin day, right? Our Monday became a mourn day, mourning day, right? Tuesday became tears day. Wednesday became waste day, right? Thursday became the thirst day. Friday became fighting day, right? And Saturday became shattered day, right? 1 week without God, right, can become like this. But we are a people like who going from strength to strength, glory to glory, right? Because we looking upon Him, like Hudson Taylor said, how can a branch bear fruit? Not by striving. Branch has to do only one thing. What to do? Just abide, right? Abiding, silent, undisturbed union, right? Undisturbed union with the vine, right? You are like bearing the fruit. We are like a constant, like we are, this is not a striving, right? But we are looking upon the author and the finisher of faith, right? Like we were talking today as we coming, like Billy Graham was preached in Russia or somewhere, St. Petersburg. After that he was on the way to airport. One of his friends said, great message, amazing message. He preached about the death of Christ. And the friend said, Billy, one thing I want to say, but also preach about the resurrection of Christ, right? You preach about death, that's important, but also preach about the risen Lord, right? So Romans 5:10 says, when we were enemies, we were reconciled by the death of Christ. How much more we are reconciled by the life of Christ? That's an amazing thing, right? So we bear fruit by constantly abiding in God. We say, God, I know my weaknesses. I can easily fall, right? This calling is high calling. But also we know that God's grace is, like Paul said, 2 Corinthians 12:9-10, right? My grace is sufficient for you. My power is perfected in your weakness. Amen. Father, we thank you. Thank you, Lord, for this amazing opportunity, Lord, you've given to us, Lord. One more day, one more night to hear your word. We don't know, Lord, we soon will be in heaven with your people, rejoicing, Lord. We just thank you. We worship you, Lord. We pray for this week, different events, Bible studies, Bible colleges, Lord, family, office, every details, Lord, upcoming week, camp, Sunday services, Wednesday service. We pray, God, we want to let hear you, Lord. Not a people, Lord, careless, Lord, but also, Lord, we totally surrender and we hear from you, Lord. Walk humbly and to be receiving and walking in your strength, Lord, Father. We just thank you. In Jesus' name, amen.